नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा अध्यापन बिंदु है छायावाद के ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कविताएं बीती विभावरी जागरी, वे दिन और पेशोला की प्रतिध्वनि का व्याख्या भाग। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि के नाम से जाने जाते हैं। छायावाद में चार कवि थे, उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद हैं। इनके द्वारा लिखित रचना कामायनी हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ भी कही जाती है। जयशंकर प्रसाद की फुटकल कविताओं के संग्रह लहर इनकी एक काव्य रचना है। लहर के अंदर इनके द्वारा लिखित कविता है बीती विभावरी जागरी, जिसका हम व्याख्या भाग आज करेंगे। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य सोपान में संकलित छायावाद के प्रवर्तक एवं छायावादी कवियों में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित बीती विभावरी जागरी कविता से ली गई है। उनकी कविता बीती विभावरी जागरी उनके काव्य संकलन लहर में संकलित है। इस कविता में उन्होंने प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। प्रेम और सौंदर्य के कवि प्रसाद ने प्रेम का प्रकृति के विविध अंगों को लेकर स्वर्णिम चित्रण इन काव्य पंक्तियों में किया है। ये हम इसका प्रसंग लिखेंगे, उसके पश्चात हम व्याख्या करते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है अली, आंखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। प्रसाद जी के अनुसार एक सखी अपनी दूसरी सखी को प्रातःकाल होने पर विविध प्रकार से जगाने का प्रयत्न करती हुई कह रही है कि हे सखी, अब तो तू जाग जा, क्योंकि रात्रि बीत चुकी है। विभावरी का अर्थ क्या होता है? रात्रि, रात बीती विभावरी जागरी, कि हे सखी अब तू जाग जा, क्योंकि रात्रि बीत चुकी है। अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, जरा उठकर देख तो सही, अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबो डुबो कर निकाल रही है। अर्थात रात बीत गई है और प्रातःकाल होने से आकाश में कहीं कहीं तारे टिमटिमा रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसे लग रहा है मानो कि कोई स्त्री अपना घड़ा डुबो डुबो कर पानी से निकाल रही हो। इसीलिए वह कहती है, अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को उषा रूपी नागरी डुबो डुबो कर निकाल रही है। अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा और उषा रूपी नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, जो आपको इसके विशेष में लिखना है। खग कुल, खग का अर्थ होता है पक्षी, खग का अर्थ पक्षी, कुल का अर्थ समूह, खग कुल पक्षियों का समूह, और कुल का अर्थ यहाँ पर क्या है? कुल कुल कर रहा है, कलकल की ध्वनि निकाल रहा है, इसका मतलब ये है। खग कुल कुल सा बोल रहा कि चारों तरफ पक्षियों का कुल, पक्षियों का समूह नदी की बहती धारा के समान कुल कुल कलकल की ध्वनि करता हुआ बोल रहा है। खग कुल कुल सा बोल रहा, यहाँ उपमा अलंकार है। किसले का अंचल डोल रहा, किसले का अर्थ होता है कोमल पत्ते, मंद मंद और ठंडी ठंडी हवा चलने से कोमल पत्तों का आंचल भी हिलडुल रहा है, कंपन कर रहा है, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। मुकुल का अर्थ होता है कली, मधु का अर्थ होता है रस, रस रूपी कली, नवल रस गागरी, गागरी का अर्थ घड़े, नए घड़े के अंदर नव रस भर के ले आई, लती का अर्थ होता है लता, कलियों का गुच्छा। हे सखी अब तो जाग जाओ, लो यह लती का भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अब तो जाग जाओ क्योंकि यह जो कोमल लता है वह भी अपनी नव कलियों पर नवीन रस का घड़ा भरकर ले आई है। अर्थात लता की नव कलियों पर नव रस ऐसे टपक रहा है जैसे रस का घड़ा ही उड़ेल दिया गया हो।
अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अलकों का अर्थ होता है आँखें और मलयज का अर्थ होता है सपना। अपनी सखी को वह समझा रही है कि हे सखी, अधरों में, अधरों का अर्थ होता है होंठ, अपने होठों में, अधरों में राग अमंद पिए, अपने होठों में अंदर ही अंदर लगातार रूप से तुम प्रिय राग पीती हुई, अलकों में मलयज बंद किए, अपनी आँखों में कई मधुर स्वप्नों को बंद किए, प्रिय के वियोग के कारण तू अब तक सोई हुई है, तू अब तक सोई है अली, आँखों में भरे विहाग रे। विहाग का अर्थ क्या होता है? प्रेम। कि तू अपने प्रिय के जाने के वियोग में अब तक सोई हुई है, आँखों में भरे विहाग रे, आँखों में अत्याधिक प्रेम भरकर तू अब तक सोई हुई है। सीधे शब्दों में प्रातःकाल हो गया है, तारे टिमटिमा रहे हैं, पक्षियों का मधुर समूह राग गा रहा है, ठंडी हवा से कोमल पत्तों का आंचल चंचल हो रहा है, लता भी नवरस से भर गई है, इसलिए है सखी तुम्हें भी अपने मधुर स्वप्नों से बाहर निकलकर यह सुंदर प्रेम में प्रातःकाल निरखना चाहिए, देखना चाहिए, इसलिए तुम जाग जाओ। अब हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हम लिखेंगे, नंबर एक, प्राकृतिक सौंदर्य एवं प्रेम का परिष्कृत भाषा शैली में चित्रण किया गया है। नंबर दो, संपूर्ण कविता में तत्सम शब्दों, संगीतात्मकता और अलंकारिकता की प्रधानता है। नंबर तीन, कोमल कल्पना की रंगीनी में रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों की छटा दर्शनीय है। शब्द चयन सर्वथा उचित है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस का प्रयोग है। ये सब पंक्तियाँ हमें इसके अंदर लिखनी है। उसके पश्चात हम अगला भाग है उसकी व्याख्या करते हैं, वे दिन। कविता का नाम है वे दिन। इसका सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रकृति प्रेम के अद्भुत चितेरे जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कविता वे दिन से ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ ली गई है, जहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति प्रेम का जीवंत चित्रण किया है। यौवन के समय उमड़ते बादलों, आकाश में खींचे इंद्रधनुष, बिजली इत्यादि के सुंदर दृश्यों को अपनी मधुर स्मृतियों से जोड़ते हुए कवि बीते दिनों के सुख में खो गया है। ये हम इसका प्रसंग लिखेंगे, उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करेंगे। वे दिन, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन घन सघन बरसते। घन का अर्थ क्या होता है? बादल। सघन का अर्थ है सघनता के साथ, जब सावन के बादल सघनता के साथ बरसते थे। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन घन सघन बरसते। कवि प्रसाद यौवन के दिनों की मधुर स्मृतियों में खोते हुए कह रहा है कि वे दिन कितने सुंदर थे, जब सावन में काले बादल उमड़ घुमड़ कर आते और सघन रूप से वर्षा करने लगते थे। इन आँखों की छाया भर थे, इन उमड़ते बरसते बादलों का प्रतिबिंब मेरी आँखों में समा जाता था। छाया का मतलब प्रतिबिंब, कि इन उमड़ते घुमड़ते बादलों की छाया मेरी आँखों में समा जाती थी। सुर धनु रंजित नव जलधर से, नवीन जल से भरे वे नव बादल आकाश से जब वर्षा करने लगते। सुर धनु रंजित नव जलधर से, नव जल से भरे वे। सुर धनु रंजित का अर्थ क्या होता है? सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें उनके साथ मिलकर सुंदर इंद्रधनुष का निर्माण करती थी। सुरधनु, सुरधनु का अर्थ होता है इंद्रधनुष। सुरधनु रंजित नव जलधर से, नवीन जल से भरे हुए नव बादल आकाश से जब वर्षा करने लगते, तो सूर्य की किरणें उनके साथ मिलकर सुंदर इंद्रधनुष का निर्माण करती थी। क्षितिज व्यापी अंबर से मिले चूमने जब सरिता के, हरित कुल युग मधुर अधर थे। और जब वह इंद्रधनुष धरती से लेकर आकाश के मिलन बिंदु तक खींच जाता था, क्षितिज का अर्थ क्या होता है? जहाँ आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जब वह इंद्रधनुष सूर्य की किरणें और प्रकाश की वर्षा की बूंदों के मिलने से इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता, तो वह इंद्रधनुष क्षितिज पर खींच जाता था। मिले चूमते जब सरिता के, सरिता का अर्थ होता है नदी। मिले चूमते जब सरिता के, हरित कुल युग मधुर अधर थे। अधर का अर्थ होता है होंठ।
इस तरह नव जल से भरे बादलों एवं इंद्रधनुष से भरा आकाश नायक का रूप लेकर अपनी हरियाली से युक्त नदी रूपी नायिका के यौवन से भरे दोनों मधुर किनारों को चूमता हुआ प्रतीत होता था। अतः वे दिन बड़े सुंदर थे जब ऐसा मनोहर दृश्य आंखें देखा करती थी। यहाँ इंद्रधनुष और नव बादल आकाश के हृदय की विविध भावनाओं के प्रतीक हैं जो उसे प्रेम से भर देते और आकाश अपनी प्रेमिका अर्थात नदी के अधरों अर्थात नदी के दोनों किनारों को चूमता हुआ प्रतीत होता था। प्राण पपीहा के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली इस जलकन मालती मुकुल से जो मदमाते गंध विधुर थे। मालती मुकुल का अर्थ होता है मालती का पुष्प। मदमाते का अर्थ होता है नशे में मस्त। विधुर का अर्थ होता है परित्यक्त या व्याकुल। प्राण पपीहा के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली इस जलकन मालती मुकुल से जो मधुमाते गंध विदुर थे। जब बादल नवजल को लेकर धरती पर वर्षा करने लगते तो चारों तरफ हरियाली बरसने लगती छा जाती और यह हरियाली प्राण प्रिय पपीहा के स्वर को मिठास से युक्त कर देती थी। अर्थात पपीहा चतुर्दिक बरसती हरियाली को देखकर और भी मीठी आवाज में गाने लगता था। इस जलकन मालती मुकुल से जो मदमाते गंध विदुर थे। मालती के फूलों से अमृत के समान जल के कण अपनी सुगंधी में परित्यक्त व्याकुल लोगों को भी मदमस्त कर देते थे अर्थात मेरी प्रियतमा के व्यक्तित्व को मुखरित करते रहते थे। चित्र खींचती थी जब चपला। चपला का अर्थ क्या होता है? बिजली, आसमान में चमकने वाली बिजली। मेघ पट क्या होता है? बादल रूपी वस्त्र। मेघ का अर्थ बादल, पट का अर्थ वस्त्र। नील मेघ पट पर वह विरला चित्र खींचती थी जब चपला। नील मेघ पट पर वह विरला मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते वे रूप मधुर थे। कवि कहता है वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब नीले आकाश में नीले बादल रूपी वस्त्र पर विद्यमान अंधेरे को दूर भगाती हुई अचानक बिजली चमक कर विचित्र दृश्य उपस्थित कर देती थी। चित्र खींचती थी जब चपला नील मेघ पट पर वह विरला। नील मेघ पट नीले वस्त्र रूपी बादल। यहाँ पर रूपक अलंकार है नील मेघ पट के अंदर, आपको इसके विशेष में लिखना है। यह उस अंधकार को विदीर्ण करती हुई बिजली चमकती हुई अत्यंत सुंदर लगती। चित्र खींचती थी जब चपला नील मेघ पट पर वह विरला मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते वे रूप मधुर थे। जब बिजली ऐसे चमकती तो ऐसा लगता मानो मेरे यौवन की मधुर स्मृतियों के फूल खिल उठे हो। अर्थात बादलों के अंधकार को चीरती हुई बिजली मेरी जीवन स्मृति के सुखद मधुरता से भरे दिनों को पुनः जागृत कर देती थी। ये इसका व्याख्या भाग है। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रेम और सौंदर्य के भावुक कवि प्रसाद की भावुकता से भरी मधुर स्मृतियाँ हमें प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देती है। दूसरी पंक्ति शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। तत्सम शब्दों से युक्त परिष्कृत भाषा शैली में कवि का पांडित्य झलकता है। प्रकृति का माधुर्य भरा चित्रण किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। श्रृंगार रस का प्रयोग है, माधुर्य गुण है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की हम व्याख्या करते हैं जिसमें जिस कविता का नाम है पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला का अर्थ यहाँ पर क्या है? पिछोला झील जो उदयपुर के अंदर स्थित है। पिछोला झील उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। पेशोला पिछोला अर्थात पिछोला की प्रतिध्वनि। इस कविता के अंदर कवि ने अपने स्वर्णिम अतीत को याद किया है, महाराणा प्रताप के समय को याद किया है और याद करते हुए कहा है कि वैसे ओजस्विता वाले वैसे वीर पुरुषों की आज भी अपनी भारत भूमि को आवश्यकता है।
इसका प्रसंग लिखेंगे हम। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य सोपान में संकलित भारतीय संस्कृति के कुशल चितेरे एवं छायावाद के प्रवर्तक कवि और छायावादी कवियों में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कविता पिशोला की प्रतिध्वनि से ली गई है। इन पेशोला की प्रतिध्वनि में कवि ने भारत के स्वर्णिम अतीत का वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि आज भी हमें वैसे ही प्रताप जैसे वीर पुरुषों की आवश्यकता है। इनका मर्म स्पर्शी वर्णन इन काव्य पंक्तियों में कवि ने किया है। ये प्रसंग में लिख देंगे, उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करेंगे। पेशोला की उर्मिया है शांत। उर्मिया का अर्थ होता है लहरें। घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में। तरु का अर्थ होता है पेड़। तट के ऊपर पिछोला के तट पर जो पेड़ हैं उनका वर्णन किया है। चित्र सारी का अर्थ है चित्र की कारीगरी। चित्र की कारीगरी चित्रकारी, शिल्प से शिल्प कला से। पेशोला की उर्मिया है शांत। घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में। कवि प्रसाद पिछोला झील के किनारे खड़े होकर उदास निर्लंब करुण सूर्य के चित्रण के पश्चात पिछोला की लहरों का वर्णन कर रहा है और पिछोला की लहरों का वर्णन करते हुए वह कहता है कि आज पिछोला झील के विशाल वक्ष स्थल में उठकर मनुष्य में ओज संघर्ष की भावना भरने वाली लहरें भी एकदम शांत व उदास है। पिछोला की प्रतिध्वनि पूरी तरह से प्रतीकात्मक कविता है। इसके अंदर कवि कहता है पिछोला की लहरें हैं वो बिल्कुल शांत है। तो इसके प्रतीकात्मक अर्थ में कवि कहना चाहता है कि पिछोला झील के विशाल वक्ष स्थल की भांति ही मनुष्य में भी जैसे पिछोला के अंदर लहरें शांत हो गई है, वैसे ही मनुष्य के अंदर ओज और संघर्ष की भावना है वो एकदम शांत हो गई है। घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में। झील की पाल के पास खड़े घने छायादार वृक्षों के प्रतिबिंब झील के पानी में तरल चित्रकारी कर रहे हैं। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के दग्ध अवसाद से। दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ, अवसाद का अर्थ होता है दुख। कवि कहता है झील के किनारे शिल्प कला के बेजोड़ नमूने झोंपड़ों में आज वीर गाथाओं के स्थान पर विषाद अवसाद और जला हुआ कल भरा हुआ है। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद से दग्ध अवसाद से। दग्ध जला हुआ, अवसाद दुख, दुख से भरा हुआ दिख रहा है। अर्थात कवि के कहने का मतलब है इन सभी में कोई ओज वीरता ओजस्विता प्राण शक्ति और संघर्ष शेष नहीं है। चारों तरफ आज अव्यवस्था परिव्याप्त है। धूसर जलद खंड झटक पड़े हैं। धूसर का अर्थ होता है मटमैला, जलद का अर्थ होता है बादल। धूसर का अर्थ मटमैला और जलद का अर्थ है बादल। वीजन, धूसर जलद खंड झटक पड़े हैं जैसे वीजन अनंत में। वीजन का अर्थ होता है निर्जन और अनंत का अर्थ होता है अनंत आकाश जिसका कोई अंत ना हो। कवि कहता है धूसर जलद खंड झटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में। कभी उमड़ घुमड़ कर आकर घनघोर वर्षा करने वाले बादल आज खंड खंड दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि किसी अनंत में कोई नहीं है, जैसे किसी सीमाहीन एकांत में कोई नहीं हो। काली माँ बिखरती है संध्या के कलंक से। कवि कहता है कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह झील गंदी हो चली है और संध्या के कलंक के समान यहाँ कालीमा बिखरी हुई है। संध्या के कलंक सी के अंदर उपमा अलंकार का प्रयोग है। यहाँ हम इसके विशेष में लिखेंगे कि संध्या के कलंक सी के अंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ददुम्बी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है। कवि कहता है कि एक समय युद्ध क्षेत्र में जहाँ पहले यहाँ पर ये ददुम्बी मृदंग सूर्य ये सारे के सारे तूर्य ये सारे के सारे मृदंग बजाने वाले वादन हैं जो कि युद्ध के समय बजाए जाते थे। कवि उस समय का स्मरण करते हुए कहता है
दुदुम्बी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है। युद्ध क्षेत्र में जहाँ पहले दुदुम्बी मृदंग तूर्य इत्यादि बजा करते थे और अपनी ध्वनि से वीरों में वीरता मातृभूमि के लिए त्याग की भावना भरते थे, आज वो सब शांत है, स्तब्ध है, मौन है और चकित है, निशब्द है, अर्थात इन्हें बजाने वाला कोई नहीं है। फिर भी पुकार से गूंज रही व्योम में, व्योम का अर्थ है आकाश, फिर भी पुकार से गूंज रही व्योम में कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। विचले का अर्थ होता है कौन अपने रास्ते से विचलित नहीं होगा। इन सभी राष्ट्रीयता की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चारों ओर एक ही पुकार गूंज रही है कि इस दुखी पराधीन उदास धरती का भार कौन दूर करेगा, कौन अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अर्थात भारत माता की पराधीनता, उसके दुख, उसकी उदासीनता को देखकर सभी विचलित होंगे और उसे पराधीनता से मुक्त करवाएंगे, ऐसा कवि विश्वास व्यक्त करता है। इन काव्य पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने भारत के स्वर्णिम इतिहास को याद करते हुए अपने समय की समकालीन परिस्थितियों पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और लोगों से उद्बोधन किया है कि वो भारत को पराधीनता से मुक्त करवाएं, क्योंकि जिस समय यह कविता लिखी गई थी उस समय अपना भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कवि ने यह कविता लिखी है। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में हम लिखेंगे पहली पंक्ति में, पिछोला की लहरों, शिल्प के बने झोंपड़ों, युद्ध के वाद्य यंत्रों को शांत दिखाकर कवि ने इन्हें पुनः जागृत करके इनमें ओजस्विता, प्रेम, त्याग, बलिदान की भावना भरने का आह्वान किया है। दूसरी पंक्ति, कम शब्दों में अधिक बात कहना कवि को श्लाघनीय कर रहा है। तीसरी पंक्ति, शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है, अनुप्रास, उपमा और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है, भाषा में संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता का गुण विद्यमान है, वीर रस का प्रयोग है, ओज गुण का परिपाक है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। अब पिछोला की प्रतिध्वनि के बाकी बचे हुए भाग की व्याख्या हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।